हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूरन का कोफ्ता। तो ये देखिए, मैंने सूरन को काट के रख लिया है बड़े बड़े पीस में। इसको मैं अब बॉयल करूँगी। इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, इसको मैं कढ़ाई में बॉयल करूँगी। आप चाहे तो कुकर में भी बॉयल कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें मैं पानी डालूँगी, इसको मैं ढक दूँगी। ये जब तक बॉयल ना हो जाए इसको मैं ढक के रखूँगी अच्छे से। देखिए, ढक दिया है मैंने। ये देखिए, अब मैंने कटोरा लिया है, उसको मैं अब निकालूँगी। ये देखिए, इसको देख लेते हैं कि ये बॉयल हो चुका है अच्छे से। तो आप इसको एक स्पून या चाकू के सारे देख सकते हैं आप इसमें घसा के। इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, ज़्यादा गीला हो जाएगा तो मेरे बॉल अच्छे से नहीं बनेंगे। तो आप इसको ज़्यादा बॉयल मत करिए, थोड़ा इसको बीच बीच में देखते रहिए कि ये ज़्यादा गले ना। थोड़ा सा इसको देखिए, इसको मैं ऐसे निकाल लूँगी सारे एक बॉयल में। देखिए, मेरा सूरन हो चुका है अच्छे से, जैसे चाहिए वैसा बना है, निकाल लिया है मैंने। ये देखिए, इसको ठंडा होने तक मैं 10 मिनट रख दूँगी, 15 मिनट, जब तक ये ठंडा हो जाए। ये देखिए, मेरे सूरन जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं बॉल बनाऊँगी। ये देखिए, इतना ही मुझे चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए क्योंकि बॉल अच्छे से नहीं बनेंगे। इसको मैं फेंट ली हूँ अच्छे से ऐसे करके। ये देखिए, इसमें मैं बेसन डालूँगी। बेसन ज़्यादा नहीं डालना है, 1 से 1.5 चम्मच बेसन, या आप जितना सूरन अपना उसके अनुसार लिए हैं तो इसमें ज़्यादा बेसन नहीं डालना है। ये देखिए, मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, पिसा हुआ राजेश मसाला मैंने डाला है। आप कोई भी पैकेट वाला गरम मसाला डाल सकते हैं। देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जीरा इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं हरी मिर्च आप अपने जितना आपको तीखा पसंद है आप अपने अनुसार डाल सकती हैं। ये देखिए, मैंने जिंजर को कल चॉप कर ली थी। चॉप करने के बाद इसमें थोड़ा सा जिंजर मैं डालूँगी। इसमें नमक डालूँगी। अब मैं इसका अच्छे से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद इसका मैं फेट रही हूँ अच्छे से गूथ लेना है। देखिए, ऐसे करके गूथ लीजिए आप। देखिए, अगर आप ज़्यादा गीला कर देंगे तो ये अच्छे से गूथेगा नहीं। तो ये देखिए, इसका बहुत अच्छा बॉल बनेगा। ठीक है, ये देखिए, मैं आप इसका बॉल बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, कितना अच्छा बॉल बन गया है। तो अगर ज़्यादा गीला हो जाएगा तो ये बॉल अच्छे से नहीं बनेगा। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा बना है बॉल। इसमें ज़्यादा बेसन ऐड मत करिएगा। ये देखिए, मैं ऐसे करके लोई बना लूँगी सारे। देखिए, कितना अच्छा बॉल बन के तैयार हो रहा है मेरा।
देखिए सारे बॉल बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा सब बॉल बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो मैंने कढ़ाई पहले से गैस पे चढ़ा दी थी, इसमें मैं डाली हूँ सरसों का तेल। ठीक है, ये देखिए सारे बॉल उसमें मैं धीरे धीरे डालूँगी। ये देखिए इसको मैं चला चला के ऐसे हल्का हल्का इसको चलाना है, ज़्यादा तेज ना चलाइएगा। देखिए ऐसे करके फ्राई कर लूँगी सारे बॉल, धीरे धीरे सब फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मेरे सारे बॉल कितने अच्छे हो फ्राई हो चुके हैं। तो ये मैं निकाल ली हूँ एक थाली में। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मसाले। और ये देखिए ये प्याज है, ये लहसुन है, ये टमाटर है, ये गरम मसाला है। गरम मसाला मैं खड़ा गरम मसाला ज़्यादा नहीं ली हूँ क्योंकि मैं पैकेट वाला गरम मसाला डालूँगी। तो ये टमाटर का मैं पेस्ट बनाऊँगी, टमाटर प्याज लहसुन इन सब का मैं पेस्ट बना लूँगी। सबका पेस्ट बना के तैयार करूँगी, इसमें गरम मसाला भी डाल दूँगी, सबका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, अब मैं इसको सब्जी की तैयारी कर रही हूँ बनाने की। ये देखिए मैंने डाला है लाल मिर्च, थोड़ा सा आप तेज़पात भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास तेज़पात नहीं था तो मैं अदरक को मैं चॉप करके रखी थी, अदरक डाल ली थोड़ा सा। अदरक बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप मैं मसाला में इसको नहीं पीसती हूँ, ऐसे ही डालती हूँ। ये डाल दिया मैंने प्याज, प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनूंगी मैं। हरी मिर्च थोड़ा सा डाल देती हूँ, इन सबको थोड़ा सा मैं जब तक ये प्याज अच्छे से भून ना जाए तब तक मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। ये देखिए ये मैंने बना लिया है पेस्ट, बना के तैयार कर लिया है। जो मैंने टमाटर लहसुन प्याज गरम मसाला सबका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए ये मेरे प्याज जो है अच्छे से भून रहे हैं, मैं इसको भून के तैयार करूंगी। प्याज भुनने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी जो मैंने पेस्ट बना के रखा है, पेस्ट ऐड करूंगी। इसको मैं 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी अच्छे से। इसको मैं भूनूंगी थोड़ी देर तक, ठीक है ऐसे चला के इसको ढक देती हूँ, ढक के थोड़ी देर तक भूनूंगी। तो ये देखिए मेरे प्याज और टमाटर का पेस्ट जो है थोड़ा सा भून चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसे गरम मसाला, जो मसाला आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो है आप थोड़ा सा गरम मसाला भी डालिएगा। ये डाल रही हूँ मैं गरम मसाला, राजेश मसाला में डाल रही हूँ, आप कोई भी गरम मसाला पैकेट का आता है उसमें डाल सकते हैं। ये देखिए इसमें हल्दी डालूँगी मैं 1/2 चम्मच। ये देखिए हल्दी डाल रही हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी डालेंगे तो अच्छे से इसका मसाला भुनाएगा। ये देखिए मसाले को बहुत अच्छे से मुझे भूनना है तभी सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए मैं इसमें पानी डाल चुकी हूँ, तो ये अब भुनेंगे। चलिए मैं इसको ढक देती हूँ। ये देखिए मेरे मसाले जो है भून चुके हैं, मैं इसमें नमक भी डाल चुकी हूँ। मसाले में ही आपको नमक डाल देना है भूनते समय। ये देखिए मेरे मसाले भून चुके हैं,
कितने अच्छे से तेल अलग हो गया, मसाला अलग हो गया। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आप जितने बॉल बनाए उनके अनुसार पानी डालिएगा, थोड़ा पानी ज़्यादा डालिएगा क्योंकि बॉल जो होता है पानी को सोखता है। तो आप अगर आपको ग्रेवी के अनुसार, जैसे ग्रेवी आपको तैयार करनी है पतली या गाढ़ी, तो आप उसके अनुसार ही पानी डालिएगा। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया इसमें, अब मैं इसको भी पकाऊंगी अच्छे से। देखिए ये देखिए मैं इसको ढक देती हूँ। देखिए मेरा जो है ग्रेवी पक के तैयार हो चुका है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। सूरन की सब्ज़ी तो सब बना के खाते हैं, लेकिन सूरन का कोफ्ता ज़रूर एक बार बना के खाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए अब मैं जो है इसमें जो अपने मैं बॉल बना के रखी थी पहले से, मैं इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद गैस बंद कर दूँगी, उसके बाद मैं इसको, ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें सारे बॉल्स, मैंने डाल दिया है। डालने के बाद गैस को मैं बंद कर दूँगी। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी आ रही है खुशबू। सारे बॉल आप डाल दीजिए, गैस मैंने बंद कर दिया है। इसको आप ढक के, अच्छे से ढक के रख दीजिए। उसके बाद 10 मिनट हो गए, 10 मिनट बाद देखिए मेरी सब्जी, इसमें इतना अच्छा कलर नहीं दिख रहा है जितना अच्छा ये रियल में लग रहा है। तो ये देखिए सब्जी मेरी तैयार हो चुकी है, सूरन की सब्जी बहुत अच्छी बनी है। आप इसको ऐसे सर्व करिए, बहुत अच्छा लग रहा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा दिख रहा है कि बहुत खाने में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही अच्छा लगेगा। ये देखिए ऐसे जब, तो मेरी सब्ज़ी कैसी लगी आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ कमेंट करिए कैसी लगी बताइए कमेंट्स करके।